Hello friends, welcome back Rajni classes. In our last video we have discussed about commercial agriculture, plantation agriculture and dairy farming, and today we will learn about mixed farming. This type of agriculture we have two works done at same time. These two works are cultivation of crops and rearing animals. मिक्स्ड फार्मिंग में हम ये दोनों काम साथ करते हैं, जिसमें हमारा होता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेजर क्रॉप्स कि मिक्स्ड फार्मिंग में वो कौन से क्रॉप्स हैं जिनको मेजरली ग्रोन किया जाता है. द मेजर क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड फोडर क्रॉप, एंड द फोडर क्रॉप्स इज मेन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फार्मिंग. So what is fodder crops? Fodder crops are these crops which harvested generally when green and used for cattle's food, known as fodder crops, and the areas of mixed farming. In this type of agriculture practiced on highly developed areas, for example northwestern Eurasia, Europe and North America. And second part we will discuss about Mediterranean agriculture. As its name indicates, this type of agriculture practiced on Mediterranean lands surrounding by Mediterranean Sea. इस टॉपिक को हम समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि ये हम मान लेते हैं एरिया जो हमारा Mediterranean Sea का एरिया, जिसकी जो एरिया हम देखते हैं वो कितना है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया मेडिटेरियन सी का जो एरिया, इसके सराउंडिंग जो भी कंट्रीज है वहाँ पे हमारा मेडिटेरियन एग्रीकल्चर किया जाता है. एंड द मेनली एम्फेसाइज ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द सिट्रस फ्रूट्स. सिट्रस फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, लेमन एंड ऑरेंज. कि जो हम देखते हैं कि जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में सिट्रस फ्रूट्स को ही ग्रो किया जाता है. अब इसके बाद हम देखते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के जो एरियाज़ हैं कि जो हमने बताए थे कि जो मेडिटेरियन सी के जो सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये एग्रीकल्चर किया जाता है. तो एरियाज़ देख लेते हैं हम इसके, एरियाज़ ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर. इसके एरियाज़ में हम देखते हैं फर्स्टली हमारा आता है नॉर्थ अफ्रीका. नॉर्थ अफ्रीका के जो हम पॉइंट देखते हैं फ्रॉम ट्यूनीशिया टू अटलांटिक कोस्ट, कि जो एरियाज देख रहे हैं हम इसमें. सेकंड हम इसमें बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. थर्ड हमारा इसमें आता है साउदर्न कैलिफोर्निया. And southwestern part of Australia. ये हमने बात की मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के एरियाज की. अब इसी में आता है जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें विटीकल्चर का, विटीकल्चर. विटीकल्चर मीन्स ग्रेप्स कल्टिवेशन, कि जिसमें हम ग्रेप्स की कल्टिवेशन करते हैं और एम्फेसाइज किस पे किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेप्स की कल्टिवेशन पे, इसलिए इसको विटीकल्चर बोलते हैं. सेकंड इसमें पॉइंट हम देखते हैं कि इस रीजन में जो भी ग्रेप्स की जो प्रोडक्शन की जाती है उसका मेनली जो वर्क होता है वो किसमें, वाइन के यूजेज के लिए हम ग्रेप्स कल्टिवेशन की जाती है. अब इसमें जो इसी का थर्ड पॉइंट हमारा आता है हॉर्टिकल्चर, horticulture. In this type of agriculture mainly grow the high valuable crops like fruits, vegetables and flowers. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मोर वैल्यूएबल्स होती हैं क्रॉप्स उनको ग्रो किया जाता है. कौन कौन से होते हैं उनमें से, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट की जो कल्टीवेशन की जाती है. एंड इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दीज आर ग्रोन इन ए स्मॉल एरिया, कि जो कल्टीवेशन की जाती है वो किसमें, स्मॉल एरिया के इसमें की जाती है. और जो एम्फेसाइज किया जाता है, वो किस पे किया जाता है कि फार्म जो जहाँ पे हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एरिया की कनेक्टिविटी यानी कि लिंकेज होनी चाहिए किससे, मार्केट से, जिसको हम किससे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग। मीनिंग ये है कि हम कहने का कि जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर है उन एरियाज़ में किया जाता है कि जहाँ पे मोर वैल्यूएबल्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जिनको एक स्मॉल लैंड एरिया पे किया जाता है और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग हम उनको अर्बन साइट्स पे सेल कर सकते हैं, तो उन एरियाज़ में हम हॉर्टिकल्चर करते हैं, ट्रक फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स एम्फेसाइज इन द ग्रो ऑफ मेनली इन वेजिटेबल्स। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स को ही ग्रो किया जाता है इसमें सिर्फ, कि फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स को ही ग्रो करते हैं। अब आता है कि इसको ट्रक फार्मिंग नाम क्यों दिया गया है, हम इसको ट्रक फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, कि जो फार्म जहाँ पे हम वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको कनेक्टिविटी जो मार्केट है तो उस तक जो कनेक्टिविटी होती है, जो लिंक होता है, वो ट्रैवलिंग की जाती है, वो किससे की जाती है, ट्रक के द्वारा की जाती है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं ट्रक फार्मिंग। तो ये हमारे कुछ आते हैं हॉर्टिकल्चर और ट्रक फार्मिंग, इसमें हमारे वेजिटेबल्स। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग अकॉर्डिंग टू द फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इट डिपेंड्स अपॉन द वे इन विच फार्मर्स ओन देयर फार्म्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो एरिया होता है कि जहाँ पे हम प्रोडक्शन करें, कल्टीवेशन करें, वो एरिया तो होता है फार्मर्स का, लेकिन उस एरिया पे जो पॉलिसीज़ अप्लाई होती है वो गवर्नमेंट की होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। अब फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारी टू फार्मिंग्स आती हैं। फर्स्ट हमारा उसमें है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इन कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स वॉलंटियरली पूल देयर लैंड्स एंड द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कि हम इसमें बता सकते हैं कि फार्मर्स जो भी होते हैं अपनी इच्छा से अपने जो एरिया है, जो भी उनका जो एग्रीकल्चर करते हैं उस एरिया पर, उसको एक सहकारी संस्था बनाकर वो एग्रीकल्चर करते हैं उस पर, तो इसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। इसमें कुछ फीचर्स आते हैं जिनसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सो द फीचर्स ऑफ दिस फार्मिंग, फीचर्स में हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आएगा, इट इज़ हेल्पफुल टू द फार्मर्स। कि फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है, कि जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल कैसे है, इसका इसमें हम पॉइंट देख सकते हैं कि टू सेल द फार्म प्रोडक्ट्स, एट मोस्ट प्रॉफिटेबल रेट्स। कि जो भी रेट्स होते हैं, कि जो भी फार्म की जो प्रोडक्शन होती है उसका जो गवर्नमेंट है वो प्रॉफिटेबल रेट प्रोवाइड करवाती है एवरी फार्मर्स को, तो इसलिए एक हेल्पफुल होती है उनके लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग। सेकंड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं, टू प्रोक्योर ऑल इनपुट्स ऑफ फार्मिंग। ऑल इनपुट्स फार्मिंग मीन्स जो फार्मिंग में हम इनपुट्स का यूज़ करते हैं, लाइक HYV सीड्स, इरिगेशन के जो टूल्स होते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, उनके एक अप्लाई करवाती है कि वो अपने आप उनके अवेलेबल करवाती है, ठीक है। तो इस टाइप में वो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होती है, तो इसके ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एरियाज ऑफ दिस फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो एरियाज कौन से। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग practiced on the successfully practiced in the some European countries like Denmark, Netherlands and Belgium। ये कुछ एरियाज़ हैं जो हमारे आते हैं किसमें, कि जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग के आते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा फार्मिंग की गई वो डेनमार्क में जो सक्सेसफुल हुई, तो हम इसमें कह सकते हैं इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट एवरी फार्मर्स इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड द नेक्स्ट इन फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिव फार्मिंग। Collective farming are various types of farming in which multiple farmers run their holdings as a joint enterprise. कि इसमें सभी farmers जो होते हैं वो इकट्ठे एक ही जगह पे या एक ही वर्क को करते हैं, उसको हम बोलते हैं collective farming. इसके कुछ फीचर्स हैं जिससे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है फीचर्स. फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप, कि जो भी वर्क होता है वो सोशली होता है. कोई भी इसमें इंडिविजुअल, कोई भी फार्मर्स इसमें कोई वर्क इंडिविजुअल नहीं कर सकता, सभी वर्क इसमें सोशली होते हैं. सेकंड हमारा पॉइंट इसमें आ सकता है, इट वाज अडॉप्टेड इन सोवियत यूनियन. कि और उसको नाम क्या दिया गया, कोलखोज. कि ये जो कलेक्टिव फार्मिंग की स्टार्टिंग कहाँ की गई थी, सोवियत यूनियन में, और उसको नाम दिया गया था कोलखोज. इसका जो टारगेट था वो क्या था कि जो भी उनके जो एग्रीकल्चर के लिए जो भी वर्क कर रहे थे उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए. तो इसमें हम बता सकते हैं थर्ड पॉइंट, टू इम्प्रूव प्रीवियस methods of agriculture. कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रीवियस मेथड्स चल रहे थे उनको इम्प्रूव करना था इनको, इसमें कलेक्टिव फार्मिंग में. फोर्थ पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं, ऑल टारगेट्स वर सेट बाय द गवर्नमेंट. कि जितने भी टारगेट्स थे उनको कौन सेट कर रहा था, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किए जा रहे थे. इसमें कोई भी, हमने पहले भी बात की कि कोई भी वर्क इसमें इंडिविजुअली नहीं किया जा रहा था. और इसका फर्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम इसमें बता सकते हैं, टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सफिशियंसी. कि जो भी वर्क हो रहा था वो क्या था कि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन की जाती है तो सेल्फ सफिशियंसी के लिए, कि कोई भी जो वर्क हो, जितने भी मेंबर्स हैं इस जो एग्रीकल्चर की कर रहे हैं कलेक्टिव एग्रीकल्चर, उसमें सभी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं. तो इस ये जो कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम अपने माइनिंग इज डिफाइंड एज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैन एंड द एक्चुअल डेवलपमेंट in the mining is started after the industrial revolution. कि जब industrial revolution के बाद इसका जो development था वो start हो गया. क्यों? क्योंकि जो national level पे जो demand थी हमारे metals and minerals की वो increase हो गई थी, तो उसके according. अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ factors होते हैं जो mining को affect करते हैं. तो हम यहाँ बात करेंगे factors which affecting mining. These factors are first physical factor, and second economic factors, physical factors में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे मेटल्स और मिनरल्स उनके फिजिकली जो डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं वो कैसे हैं, तो उसमें हम देखते हैं साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ द डिपॉजिट्स. कि जो भी हमारे मेटल्स एंड मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं उसमें हम फिजिकल फैक्टर में उनके साइज, ग्रेड एंड मोड को देखते हैं. नेक्स्ट हमने बात की थी इकोनॉमिक फैक्टर की. इकोनॉमिक फैक्टर में हम फर्स्टली बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. कि हम इसमें कैपिटल की अवेलेबिलिटी को देखते हैं कि जो भी डिमांड हो रही है नेशनल लेवल पे उसमें कैपिटल की अवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारे इसमें लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. कि टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, कि वो भी वही है कि नेशनल लेवल जो डिमांड है नेशनल लेवल पे कि उसमें हम टेक्नोलॉजी को कितना इन्हेंस कर रहे हैं, क्या उसमें इकोनॉमिकली कितना उस पर इफेक्ट आ रहा है, वो हमारे आते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में। थर्ड पॉइंट हमारे इसमें आता है लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि जो भी माइनिंग के वर्क जो कर रहे हैं पॉपुलेशन, उसमें जो लेबर वर्क हो रहा है और जो ट्रांसपोर्टेशन वर्क हो रहा है उसमें कितनी कॉस्ट की नीड है। तो ये जो तीन पॉइंट्स हमने देखे हैं वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग की, कि माइनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा उसमें आता है सरफेस माइनिंग एंड सेकंड हम उसमें बात करेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग की। मेथड्स ऑफ माइनिंग, तो फर्स्ट हमने बात की सरफेस माइनिंग, इट्स नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो हम इसमें क्या बात करते हैं, सरफेस माइनिंग का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे सरफेस, जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर जो भी मेटल्स एंड मिनरल्स हमें मिल रहे हैं उसमें हम ओपनली, कि हमें मिनरल्स बिल्कुल सरफेस पे क्लोजली मिलते हैं, ओपनली जब हम इसको करते हैं इस टाइप का जो भी फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। उसमें सरफेस के क्लोजली हमें मेटल्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं सरफेस माइनिंग में। फर्स्ट हमारा इसमें आता है it is cheapest and easiest mode, कि जो भी हमारा ओपन कास्ट माइनिंग या सरफेस माइनिंग होती है वो चीपेस्ट मोड और इजीएस्ट मोड होता है, क्योंकि उसमें जब चीपेस्ट कैसे कि सरफेस पे हमें अवेलेबल हो जाते हैं जो भी हमारे मेटल्स एंड मिनरल्स हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा जो कैपिटल है उसकी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती, और ईजिएस्ट कैसे है कि हमें कोई भी शाफ्ट या टनल की नीड नहीं होती और ईजिएस्ट मोड होता है इसमें। सेकंड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं क्लोज टू द अर्थ सरफेस, कि इन दिस टाइप ऑफ माइनिंग द मेटल्स एंड मिनरल्स अकर्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस, कि हमें कहाँ मिल जाते हैं, वो सरफेस पे मिल जाते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी। तो हमारा इसमें सेकंड पॉइंट हो सकता है क्लोज टू द अर्थ सरफेस। थर्ड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं कि आउटपुट कैसा मिलेगी, कि आउटपुट इसमें कैसा होगा, आउटपुट इज बोथ रैपिड एंड लार्ज, कि जो आउटपुट देखते हैं हम वो कैसा रैपिड एंड लार्ज दोनों होते हैं उसमें, कि जो आउटपुट का मीनिंग होता है कि जो भी हमने एक्सट्रैक्शंस की है मेटल्स एंड मिनरल्स की, तो उनके जो अवेलेबिलिटी है वो देख लेते हैं हम वो कैसी होती है रैपिडली, कि वो वर्क हमारा जल्दी हो जाता है, और लार्ज की जो अमाउंट होता है वो लार्ज होता है। तो ये पॉइंट थे हमारे सरफेस माइनिंग के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अंडरग्राउंड माइनिंग की। अंडरग्राउंड माइनिंग इट्स नोन एज शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो भी हमें मिनरल्स हैं, जो मेटल्स एंड मिनरल्स के जो ऑर्स मिलते हैं हमें, वो कैसे निकालते हैं हम, कि वो सरफेस लेवल पे डीपली होते हैं, कि सरफेस लेवल पे ना होकर ज़्यादा अंदर तक होते हैं, अर्थ के डीपली पार्ट में हमें मिलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्टिकल हम टनल्स का यूज़ करते हैं उनको एक्सट्रैक्शंस को, मिनरल्स एंड मेटल्स की एक्सट्रैक्शंस करने के लिए। तो जब हम इन वर्टिकल जो टनल्स का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं शाफ्ट, तो इसलिए हम इसको शाफ्ट माइनिंग भी बोल देते हैं। ओके, अब इसमें भी हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है कॉस्टली एंड रिस्की मेथड, कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है, कि डीपली जो होते हैं उसके लिए हमें क्या ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, इनपुट जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें लिफ्ट्स, व्हीकल और इनकी नीड होती है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए कॉस्टली होती है। रिस्की क्यों है, क्योंकि हम इसमें क्या बताया था कि सरफेस लेवल पे ना करके हम उसमें टनल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल टनल्स का यूज़ करेंगे, तो उसमें जो लेबर हैं और जो हमारे मेटल्स एंड मिनरल्स हैं उनके लिए थोड़ा रिस्की होता है। तो हम इसमें पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बता सकते हैं कॉस्टली एंड रिस्की मैथड। सेकेंड हमारा आता है इसमें डीप टू द अर्थ सरफेस, In underground mining, those minerals are occur which found in deep to the earth surface. कि हम क्या बात की थी पहले ही हमने कि जो अर्थ के सरफेस से हमें डीपली जो मिलते हैं उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग का. थर्ड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं हज़ार्डस, कि दिस माइनिंग इज़ हज़ार्डस. हज़ार्डस इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे हम बता सकते हैं उसमें गैस पॉइजनिंग, and gas explosion, roof collapse, and rock burst. ये कुछ हैजर्ड्स हैं कि जो हम जब हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं तो गैस पॉइजनिंग की जो हमारे मिनरल्स और मेटल्स होते हैं उनमें से जब हम डीपली जाते हैं तो कुछ गैस जो जहरीली गैसें होती है पॉइजन फैलता है उनसे. गैस एक्सप्लोशन के उनका विस्फोट भी होता है. रूफ कोलैप्स की कई बार जो माइनिंग के अंदर तक चले जाते हैं तो ऊपर से जो सतह होती है वो गिर जाती है तो हम उसको रूफ कोलैप्स बोलते हैं. रॉक ब्रस्ट की मोस्टली टाइम में जो हमारी रॉक्स होती है उनमें ब्रस्ट हो जाता है. तो ये कुछ हज़ार्ड्स भी होते हैं. तो अंडरग्राउंड माइनिंग में हमने क्या क्या देखा, कॉस्टली एंड रिस्की मेथड, डीप टू द अर्थ सरफेस एंड हज़ार्डस. ओके फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर था प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो कंप्लीट हो चुका है. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.